नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चंद्र वशिष्ठ और स्वागत है आप सभी का वशिष्ठ टेक टॉक में। गाइज, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ फ्रीलांसिंग के 5 डार्क सीक्रेट बताने वाला हूं। इफ यू वांट टू स्टार्ट योर कैरियर एज अ फ्रीलांसर तो यू हैव टू वॉच दिस वीडियो, बिकॉज ये चीजें आप लोगों को कोई नहीं बताएगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं और आप लोगों का ऑनलाइन अर्निंग में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है, तो मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल नोटिफिकेशन को दबाकर ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए तो उसकी अपडेट आप लोगों को मिल सके। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आप लोगों ने सुना होगा आज की डेट में बहुत ज्यादा ट्रेंड चला हुआ है फ्रीलांसिंग। इवन मैं खुद फ्रीलांसिंग के बारे में ज्यादातर वीडियो बनाता हूं, आप लोगों को बताता हूं मेकिंग मनी ऑनलाइन से रिलेटेड। तो आप लोग ने मुझसे भी सुना होगा कि हाँ फ्रीलांसिंग कीजिए, बट फ्रीलांसिंग अगर आप लोग सोच रहे हो ना फ्रीलांसिंग करने के बारे में, तो आप लोग पहले ये वीडियो देख लें, उसके बाद डिसीजन लीजिए कि आप लोगों को फ्रीलांसर बनना है या नहीं। जो फर्स्ट पॉइंट, दैट इज यू हैव योर ओन बॉस। फ्रीलांसिंग में क्या है, आप लोगों ने सुना होगा कि फ्रीलांसिंग अगर आप लोग करोगे तो आप लोग अपने बॉस हो जाओगे। आप लोगों को जब दिल करेगा आप लोग काम करोगे, आपको कोई रोक टोक करने वाला नहीं है, और आप लोगों को जब आपका मन करेगा काम करोगे, जब नहीं मन करेगा तो आप छुट्टी मारोगे। हाँ गाइस, ये बात सही है कि आप लोग अपने बॉस, खुद के बॉस होते हो, आपके ऊपर कोई रोक टोक करने वाला नहीं होता, बट इसका मतलब ये नहीं है कि फ्रीलांसिंग में मजे ही मजे हैं। फ्रीलांसिंग में बहुत ज्यादा स्ट्रगल भी है। आप लोग जब अपने खुद के बॉस हो जाते हैं, तो आप जरा सोचिए कि जो एक ऑर्गेनाइजेशन का बॉस होगा उसके ऊपर कितनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और एज अ फ्रीलांसर आप लोगों को क्लाइंट ढूंढने के लिए टाइम देना पड़ेगा, आप लोगों को काम करने के लिए टाइम देना पड़ेगा, आप लोगों को क्लाइंट को सेटिस्फाई करने के ऊपर टाइम देना पड़ेगा, आप लोगों को क्लाइंट की सेटिस्फेक्शन भी जरूरी है। तो मतलब एज अ बॉस यू हैव वेरी वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन योर शोल्डर। तो मतलब आपके कंधों के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी हो जाती है जब आप खुद के बॉस होते हो। तो इसका मतलब ये नहीं है कि फ्रीलांसिंग में सिर्फ चिल ही चिल है, फ्रीलांसिंग में आप लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटियां भी बहुत है। कई बार तो आप लोगों को खुद के लिए भी टाइम नहीं होता। तो सोच लीजिए, अगर आप फ्रीलांसिंग के बारे में सोच रहे हो तो पहले दिमाग में ये बात बैठा लीजिए कि भाई रिस्पॉन्सिबिलिटियां बहुत ज्यादा है आपके कंधों के ऊपर। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, एंड नेक्स्ट पॉइंट इज देयर इज नो सिक्योरिटी। अब गाइस, जनरली जॉब्स में क्या होता है, सिक्योरिटी होती है। आप लोगों को पता है कि जब मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहा हूं, तो अगर मेरी सैलरी 15,000 या 20,000 या 50,000 वट एवर जो भी आपकी सैलरी है, अगर आपकी सैलरी उतनी है तो मतलब आप लोगों को उतना पैसा पर मंथ मिलने वाला है। बट फ्रीलांसिंग में ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे कोई सिक्योरिटी नहीं होती। हो सकता है किसी मंथ में आप 50,000 से 60,000 कमा लो, हो सकता है आप किसी मंथ में लाखों कमा लो, बट ये भी पॉसिबिलिटी है कि आप लोगों के कई मंथ खाली भी जाए। मेरे साथ खुद भी होता है कई बार कि किसी मंथ हमारे को कुछ भी नहीं आता और किसी मंथ हमारे पास बहुत अच्छा पैसा आ जाता है। तो मतलब फ्रीलांसिंग में सिक्योरिटी नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप सोचो कि हाँ मेरे को तो भाई मैं लाखों कमाऊंगा, नहीं भाई ऐसा नहीं है। हो सकता है आप किसी महीने में लाख कमाओ और किसी महीने में खाक भी ना कमाओ। तो ये चीज भी अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा कि फ्रीलांसिंग में सिक्योरिटी नहीं है। तो अगर आप लोग सिक्योरिटी चाहते हो तो बिल्कुल भी नहीं है फ्रीलांसिंग आप लोगों के लिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट के तरफ, और दैट इज यू हैव टू एनालाइज योर एक्सपेंसेस। आप लोगों को अपना रेट डिसाइड करना पड़ेगा फ्रीलांसिंग में। जब आप लोग स्टार्ट करते हो, जैसे आप एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो, वहां पे आप अपना एक रेट डिसाइड कर देते हो कि मेरे को 20,000 लेना है भाई पर मंथ, मेरे को 50,000 लेना है। सिमिलरली फ्रीलांसिंग में आप लोगों को डिसाइड करना पड़ेगा कि मेरे को किस काम के लिए कितना चार्ज करना है किसी पर्टिकुलर क्लाइंट से। आप लोगों को ये डिसाइड करना पड़ेगा कि मेरे मंथली एक्सपेंसेस कितने हैं, मेरे को कितना पैसा अर्न करना चाहिए हर मंथ, और अकॉर्डिंग टू अपने पर्सनल एक्सपेंसेस को ध्यान में रख के आप लोगों को उसके हिसाब से काम करना पड़ेगा। हो सकता है स्टार्टिंग में आप लोगों को कम कम कॉस्ट पे प्रोजेक्ट मिले तो आप लोगों को ज्यादा देर काम करना पड़े, हो सकता है आप लोगों को अच्छे क्लाइंट मिल जाए तो आप लोग कम देर काम करो। मतलब पहले तो आप लोगों को अपना एक्सपेंसिव डिसाइड करने पड़ेंगे कि मेरे को कितना एक्सपेंसिव है, मेरे कितना मेरा खर्चा है पर मंथ का, उसके हिसाब से आप लोगों को अर्न करना पड़ेगा। मतलब आप लोगों को बहुत ज्यादा लॉट ऑफ वर्क होता है, आप लोगों को बहुत कुछ डिसाइड करना पड़ता है, तभी आप लोग काम करते हो। तो मतलब फ्रीलांसिंग करने से पहले आप लोग ये भी एनालाइज कीजिए कि मेरे को मंथली कितना अमाउंट चाहिए, कितना पैसा चाहिए, उसके हिसाब से काम करना शुरू कीजिए फ्रीलांसिंग में। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, एंड दैट इज यू हैव टू वर्क ऑन योर स्किल्स एवरी डे। गाइस, किसी जॉब, जब आप कोई जॉब करते हो तो वहां पे आप लोगों को एक रेगुलर काम मिलता है।
आप लोगों ने वही काम करना है, मैक्सिमम वही काम रहेगा, थोड़ा बहुत चेंज होगा। आप लोगों को पता है डेली का रूटीन, आप लोगों को पता है कि मेरे को यही काम करना है, बट फ्रीलांसिंग में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। फ्रीलांसिंग में आप लोगों को अपने स्किल्स के ऊपर रेगुलर काम करना पड़ेगा, मतलब आप लोगों को एक डेडिकेटेड टाइम अपने स्किल्स के लिए भी देना पड़ेगा, आप लोगों को अपने स्किल्स रेगुलरली इंप्रूव करने पड़ेंगे। बिकॉज हो सकता है आज किसी टेक्नोलॉजी की मार्केट में डिमांड है, कल को उस टेक्नोलॉजी की डिमांड ना हो, तो आप लोगों को नई टेक्नोलॉजी सीखनी पड़ेगी। मतलब कंटिन्यूअसली आप लोगों को रेगुलरली अपडेट रहना पड़ेगा टेक्नोलॉजी के साथ, और फिर उस टेक्नोलॉजी के ऊपर इस टेक्नोलॉजी को अडेप्ट करना पड़ेगा, उस टेक्नोलॉजी को रेगुलरली सीखना पड़ेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि जैसा आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में गए, पता है हर रोज यही काम करना है, मतलब उस काम के यूज टू हो जाना है, जी नहीं। फ्रीलांसिंग में आप लोगों को रेगुलरली चेंज करते रहना पड़ेगा, रेगुलरली अपने स्किल्स के ऊपर काम करते रहना पड़ेगा। तो अगर आप लोग फ्रीलांसिंग के बारे में सोच रहे हो तो एक चीज दिमाग में बिठा लीजिएगा कि आप लोगों को पढ़ते हमेशा पढ़ते रहना पड़ेगा, तभी आप एज अ फ्रीलांसर एक लंबा कैरियर के बारे में सोच सकते हो। राइट, बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट के तरफ, एंड दैट इज इट्स टोटल परफॉर्मेंस बेस्ड जॉब। अब अगेन अगर मैं बात करूं जॉब्स की, तो जॉब्स में क्या होता है, आप लोगों को पता है कि साल के बाद मेरे को 10% 20% कुछ परसेंटेज इंक्रीमेंट लगेगा ही लगेगा, बट फ्रीलांसिंग इससे बिल्कुल अपोजिट है। फ्रीलांसिंग टोटली आपके परफॉर्मेंस बेस्ड के ऊपर चलती है। अगर आप लोगों ने स्टार्टिंग में आप लोगों को क्लाइंट मिले और आप लोगों ने उन क्लाइंट्स का अच्छा काम किया, तो हो सकता है आप लोगों को विद इन 1 or 2 months अच्छा हाइक मिल जाए, अच्छे प्रोजेक्ट मिल जाए अकॉर्डिंग टू योर परफॉर्मेंस। बट अगर वही काम आप लोग अच्छा नहीं करते, किसी क्लाइंट को आप सेटिस्फाई नहीं करते और वहां पे आप लोगों को गलत रेटिंग मिल जाती है, आपकी परफॉर्मेंस खराब हो जाती है, तो फिर ये भी हो सकता है कि आप लोगों को क्लाइंट मिलना बहुत मुश्किल भी हो सकते हैं, या कम रेट पे क्लाइंट मिले। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आपने स्टार्ट किया 20 or 30,000 पर मंथ अर्न करना, तो आप अगले महीने भी या मतलब आप लॉन्ग टर्म उतना ही अर्न करोगे, नहीं। आप हो सकता है आप नेक्स्ट मंथ 60-70 हज़ार रुपया अर्न करो, उससे डबल हो जाओ, हो सकता है आप बिल्कुल ही आधे पे आ जाओ। तो मतलब फ्रीलांसिंग टोटली की परफॉर्मेंस बेस्ड जॉब्स होती है। आप लोगों को अच्छी परफॉर्म करोगे तो तभी आप लोग कुछ अच्छा अर्न कर पाओगे। तो गाइज आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा, आप लोगों को पता चल गया होंगे डार्केस्ट सीक्रेट ऑफ फ्रीलांसिंग। मुझे उम्मीद है कि अगर आप लोग फ्रीलांसिंग करने के बारे में सोच रहे हो, तो आप लोग पहले अपना माइंड सेट इन बातों के ऊपर क्लियर कर लीजिए। आपकी जॉब्स आप अपने बॉस हो, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग हमेशा चिल करो। फ्रीलांसिंग में कोई सिक्योरिटी नहीं होती, आप लोगों को अपने स्किल्स के ऊपर काम करते रहना पड़ेगा, आप लोगों को अपने खर्चों के बारे में सोचना पड़ेगा, और फ्रीलांसिंग टोटली परफॉर्मेंस बेस्ड जॉब्स होती है। अच्छा परफॉर्म करोगे अच्छा अर्न करोगे, अगर परफॉर्मेंस अच्छी ना रही वो आप लोगों को अर्निंग में भी इफेक्ट करेगा। आई होप आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।